एक टाइम टेबल बनाना है विच इज बेसिकली सॉर्टिंग द लास्ट डेज़ आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत है. आप इसको करते हो तो आप सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना भी कुछ आपने लर्न किया है उसको अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन में उसको अप्लाई करना है यहाँ पे आपको स्पेशली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना है एक्जैक्टली जैसा एग्जामिनेशन में होता है

पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है विच इज बेसिकली सॉर्टिंग द लास्ट थर्टी डेज इस टाइम टेबल को आपको वीकली टारगेट्स में डिवाइड करने हैं, एंड उस वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में डिवाइड करना है उस डेली टारगेट में आपको इक्वल टाइम पेपर वन एंड पेपर टू को देना है स्पेशली ऑन पेपर वन क्योंकि पेपर वन आपका मेक एंड ब्रेक है और जी तक का स्कोर आपको पेपर वन ही लेके जाएगा सो मेक श्योर आपने डेली टारगेट्स बना के रखे हैं जिसमें पेपर वन पेपर टू का काफी का ज्यादा टाइम दे रहे हैं जो टॉपिक्स डिफिकल्ट है जो टॉपिक्स आपने छोड़ रखा है जो टॉपिक आपको लगता है आपके वीकनेसेस है उन टॉपिक्स को सबसे पहले उठाइए और उनको खत्म करिए और अपनी प्रोग्रेस मार्क करते रहिए सो देट यू हैव एन आइडिया कि आप क्या क्या कंप्लीट

वो सब कुछ चला जाएगा एंड इन रिटर्न पैनिक एंड स्ट्रेस शुरू हो जाएगा बिकॉज आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं. तो प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है जो भी आप टारगेट्स बना रहे उसको बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से आपको कंप्लीट करनी है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट यूज मल्टीपल सोर्सेज जब भी हम लास्ट थर्टी डेज की बात करते हैं आपके बेसिक सोर्सेज इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ऑलरेडी फिक्स होने चाहिए यू शुड नो पेपर के के किस टॉपिक लिए कौन से सोर्सेज पढ़ने एंड पेपर के के किस टॉपिक लिए कौन से सोर्सेज पढ़ने अगर एक से ज्यादा दो तीन सोर्सेज स्पेशलाइज आर्टिकल्स किसी किसी चीजों के लिए चाहिए उनको कंसल्ट करिए बट कोई भी नया मटीरियल मार्केट में जाके आप मत पिकअप करिए जो आपके बेस मटीरियल आपको उन्हीं को कॉन्स्टेंटली रि रिवाइज करना है हाँ

एक सब टॉपिक को इंडिविजुअली रिवाइज कर रहे हैं जैसे मान लो कोई टॉपिक है उसके मल्टीपल सब टॉपिक्स हैं पहले आप एक सब टॉपिक को रिवाइज करिए उसको लर्न करिए जब आप दूसरे सब टॉपिक पे जा रहे हैं इस पहले टॉपिक को री रिवाइज करिए जब आप तीसरे सब टॉपिक पे जा रहे हैं पहले दोनों को रिवाइज करिए जब आप चौथे पे जा रहे हो पहले तीनों को रिवाइज करो इससे ही होगा कि जब तक आपका कोई एक चैप्टर खत्म होगा आपने उसके अलग अलग सबसेक्शन को तीन से चार बार पहले ही रिवाइज कर लिया होगा इससे ही होगा कि आपको टाइम भी कम लगेगा एंड आप चीजों को भूलेंगे नहीं सिर्फ दो पीपल जो ये सोचते हैं कि पढ़ते हैं और भूल जाते हैं वो इसीलिए क्योंकि कहीं कही ना कहीं आपकी रिविजन और लर्निंग स्ट्रैटेजी गलत है डोंट वेट कि जब पूरा चैप्टर होगा फिर एक एक को रिवाइज करेंगे मेक श्योर sure कि आप रिविजन साइमल्टे करते जा रहे हैं हो आपको एक घंटा ज्यादा लगे बट ये आपको बेटर तरीके से लर्न कराएगा प्लस जब आप आप कर रहे हैं एंड कोई टॉपिक्स टॉपिक्स आपके वीक मेक श्योर कि आप उन के लिए माइंड मैप्स को स्पेसिफिकली बनाते हैं माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट को लास्ट मोमेंट यूज करके बेसिक टॉपिक्स को रिवाइज करिए अगर आपको लगता है कोई टॉपिक बहुत ही मुश्किल है लर्न करने में दिक्कत हो रही है अगेन मेक श्योर की आप उनको सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लें जहां फिर सिर्फ आप

सो प्रीवियस इयर्स लर्निंग मटेरियल की तरह होना चाहिए जो आपका सेट ऑफ इंफॉर्मेशन भी इंक्रीज कर रहा है प्लस इट शुड बी आल्सो अ क्वेश्चन सॉल्विंग मोड तो प्रीवियस इयर्स को अच्छे से प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करना है और अगर आप इसको करते हो तो आप देखोगे पेपर में आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि एक तो नॉलेज एनहांसमेंट हो रहा है सेकेंड हर साल में कौन से यूनिट्स ट्रेंडिंग है उस यूनिट्स के कौन से सब टॉपिक ट्रेंडिंग है ये सब ट्रेंड्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप पेपर में ब्लाइंड ना जाए सो so दैट आपने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन को रिवाइज

पेपर टू में कितना टाइम लग रहा है किस टॉपिक में ज्यादा टाइम लग रहा है एंड कई बार क्या होता है बिकॉज पेपर ऑनलाइन मोड में है There are some glitches which happen. Lot of things happen जो आपको पहले से सारी चीजें करके रखनी है You have to make sure की आप पहले से papers को solve कर रहे हो पहले से आप online mode में accustomed हो और आप mock solve कर रहे हो ताकि आपको ये पता चले कि क्या strengths है क्या weaknesses है Last moment कहाँ पर मेहनत करनी है क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं और आप सीधा exam देने चले जाते हैं तो यहाँ पर आप major blunder कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आप अभी भी rectify कर सकते हो जब तक आप final paper तक नहीं पहुंचते एंड इसी

एग्जामिनेशन एक्सैक्टली लाइक आप यूजीसी नेट दे रहे हैं इसके रजिस्ट्रेशन विंडो ट्वेंटी थर्ड जुलाई से थर्ड ऑगस्ट तक वैलिड है एडमिट कार्ड आपके आएंगे सेवन ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर टेस्ट का जो डेट एंड टाइम है इट्स 11 अगस्त 9 एम टू 12 पीएम लाइव टेस्ट डिस्कशन हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा 11th अगस्त 6 पीएम एंड रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट होंगे 15th अगस्त को हमारे ऑफिशियल वेब पेज में दिस इज द सेंटर स्पेसिफिकली यू हैव ईस्ट दिल्ली साउथ दिल्ली इन दिल्ली देन वी हैव पटना बिहार लखनऊ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उत्तर प्रदेश देहरादून उत्तराखंड श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर जयपुर राजस्थान इंदौर एमपी, भुवनेश्वर उड़ीसा गुवाहाटी असम कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड बेंगलुरु कर्नाटका सो ये सारे हमारे सेंटर्स हैं जिसमें आप स्पेसिफिकली आके एग्जामिनेशन दे सकते हैं सो डू नॉट फोगेट टू रजिस्टर क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले एग्जामिनेशन वाली फील लेना बहुत जरूरी है टू नो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है ताकि मेन एग्जामिनेशन में आप गलतियों को बिल्कुल भी ना रिपीट करें एंड यू स्मैश द एग्जामिनेशन लाइक अ नॉर्मल मॉक टेस्ट आप बहुत ही काम कूलों cool की एग्जामिनेशन दें एंड उन्हीं के लिए ये मॉक टेस्ट जरूरी है सो मेक श्योर यू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट एंड विद दिस मेक श्योर आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से अलाइंट हो सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रिपेयर वेरी वेरी वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन